मिनट लेट चल रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैं फटाफट से जाती हूँ क्लास अपनी स्टार्ट करती हूँ। और जब ये ट्रेन निकल रही होती है ना इन बीच, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो स्विट्जरलैंड वाली फील आ रही है। 6 यूरो फॉर 2 ब्लीडी सूरी का 100 के हो गया। तो हमको भी 1 के दे दो ना। कौन आ रहा है? कभी क्या आदू गया? नीचे आवाज आ रही थी उसकी। हे हेलो एवरीवन, हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नए दिन में और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। फोकस कर लिया जाए तो सुबह का टाइम है, जा रहे हैं कबीर स्कूल। तो चलिए स्कूल छोड़कर आते हैं। तो जी पहुंच गए हम लोग स्कूल। ये रहा कबीर। और मौसम आज ठीक है, मतलब ऐसे मे भी शायद सूरज निकल आए। कहीं कहीं से लगता है कि सूरज निकलेगा, कहीं कहीं लगता है कि फिर से बादल आ रहे हैं। तो देखो ऊपर क्लियर स्काई है, ये देखो है ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे ना ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, साफ सुथरा सा एरिया वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम 10 मिनट लेट चल रहे हैं अपने यूजुअल टाइम से, स्कूल टाइम से नहीं, यूजुअल टाइम से जो हमारा टाइम होता है। तो मैं 8:20 तक इसको छोड़ देती हूँ, बट अभी कुछ 8:30-8:32 हो गया है। तो स्कूल तो 8:45 से है, बट अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे वापसी में कैब करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे घर पहुँचना है 9 बजे। इंटीग्रेशन क्लास मेरी शुरू हो जाती है। देखो बड़ा भरपूर ग्रीनरी है यहाँ पर इसके स्कूल में तो बेहद ग्रीनरी है। चलिए स्कूल छोड़ कर आते हैं, फिर बताती हूँ मैं घर वापस कैसे जा रही हूँ। कैब से जा रही हूँ या बस से जा रही हूँ? टुडे कबीर जिम क्लास, सब बच्चे जा रहे हैं। चलो वो जल्दी जब 10 मिनट पहले पहुँच जाता है ना, तो इसका वो अपने पूरे गैंग के साथ जो उसका ग्रुप बना हुआ है स्कूल में, उसके साथ खेलने वाला टाइम होता है, तो वो आज मिस हो गया। आज सीधे क्लास में जाएगा। इवनिंग तक रहना तो सीखो स्कूल में। तो चलिए जाते हैं, इसको छोड़ते हैं और फिर मैं मिलती हूँ। सोची पहुंच तो गई मैं टाइम से, 5 मिनट हैं, जाके फटाफट से सिस्टम लॉग इन वगैरह करूंगी और क्लास ज्वाइन कर लूंगी। चलो सोची पहुंच गई भागते भगाते घर। थोड़ी सी कैब तो महंगी पड़ी, बट हाँ ये है कि मैं पहुंच गई टाइम से। तो अभी देखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह तो आज मेरी सब दोपहर में बाद में होगी, और मैं जाती हूँ अपनी क्लास लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैं फटाफट से जाती हूँ क्लास अपनी स्टार्ट करती हूँ। मैं ना देखो वहाँ पे ना आज सुबह मॉर्निंग में वाटरमेलन बाहर निकाल के गई थी कि जब ब्रेक होगा बीच में तो मैं एटलीस्ट वो खा सकती हूँ। तो जाते हैं क्लास करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सॉरी 5 मिनट का ब्रेक मिला है, मैं फटाफट से आके ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा वाटरमेलन कट कर लिया जाए, क्योंकि मुझे कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा कट कर लूँ वाटरमेलन। ओके यार जल्दी जल्दी कर रही हूँ, वैसे भी जब पढ़ाई करने बैठ जाओ ना तो भूख ज़्यादा लगती है, ऐसा होता है ना कॉन्सेंट्रेशन वाले काम में ना भूख पहले लगने लग जाती है।
ओके बट इसका टेम्परेचर ना ठीक हो गया है, मैं मॉर्निंग में निकाल के गई थी ना बाहर, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया है। लेट्स गो। कितना प्यारा गाना है ना ये, मरना है। हाँ जी इसको करते हैं बंद, पता चला कॉपीराइट आ जाए, गाना कितना प्यारा है। तो जी हो गई है क्लास खत्म, और प्लीज पीछे के जो ये मैस है ना इसको इग्नोर करना, वहां पे सारे कपड़े वपड़े पड़े हैं। तो क्लास हो गई है खत्म और इस एक्टिव ट्रैक को मैं करती हूँ बंद। हाँ नाउ इट्स डन, क्लास हो गई है खत्म, टाइम हो गया है 1 बजे का और 1 बजे मेरी क्लास खत्म हुई है, तो मतलब 10-5 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, क्योंकि मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से बात कर रही थी, वो अभी अभी बेल्जियम आई है। तो अच्छा लगता है यार जब आपको लोग जानते हैं और आपसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, इस कम्युनिटी के थ्रू जब आपको लोग जानते हैं तो यार हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस उनसे मैं बात बात कर रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, अब जाते हैं, फ़ोन की बैटरी भी जा रही है, क्योंकि इधर भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स अपने कर रही थी असाइनमेंट वाले, उधर मैंने टैब पे लिया हुआ था, तो टैब की और फ़ोन की दोनों की बैटरी जा रही है। और अब भी मुझे करना है पंजाब मम्मी को फ़ोन, तो मम्मी से बात करते हैं थोड़ी देर और अपने लिए खाने पीने का कुछ बनाते हैं कि क्या खाया जाएगा और क्या किया जाएगा, और देन आगे बढ़ते हैं, बात वगैरह लेते हैं, क्योंकि कल तो मैंने बहुत लेट बात लिया था ना शाम में, तो मैं मे बी शायद मैं आज भी शाम में बात लूँ, और कल है मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ जो इसको पूरा एग्जामिन करेंगे, वहाँ पे एक्सरे और जो एक और टेस्ट है वो मैं कल ही बताऊँगी यार, क्योंकि वो देख के पता चलेगा कि क्या टर्म है वो, तो उसका टेस्ट वेस्ट होना है, सो वो टेस्ट वगैरह होगा, कल देखकर डॉक्टर बताएंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। पता है क्या होता है, जब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तभी इसमें ऐसा पेन उठता है ना कि नहीं पूजा नहीं तुम ठीक नहीं हो, तो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैंने अभी अभी कर्टेन हटाया और बाहर देखा, कितना प्यारा आसमान दिखाई दे रहा है, इतने सुंदर सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो बादल होते हैं ना जो हम सीनरी में लगाते थे कॉटन वाले बादल, यहाँ से ना बिल्कुल ऐसी लगता है और वैसे ही लग रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे धुम धुम धुम, जैसे सीनरी बनाते हैं ना, वो एक झोपड़ी बनाते थे, साइड में एक ट्री बनाते थे और ऐसे वो क्लाउड्स लगाते थे और साइड में से वो नदी बह रही होती थी, कितना सही सीनरी बनाते थे हम लोग। बनाई है आपने भी? मैंने तो बहुत बनाई है। तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ की सीनरी, जो पिक्चर एक्चुअली में यहाँ से ना देख के व्यू लगता तो ऐसे है यार कि ये सच में किसी पेंटर ने ना, मतलब किसी पेंटर ने इतनी प्यारी सीनरी बना रखी है, कलर्स वगैरह सब कुछ बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, लेट्स गो। तो चलिए लेट्स गो, देखते हैं बाहर। मौसम अच्छा है, धूप निकल रही है, हाँ धूप निकल रही है। ला 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 ला। देख रहे हो बादल, देखिए बादल, सच्ची मन करता है बस इसे, और जब ये ट्रेन निकल रही होती है ना इन बीच, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो स्विट्जरलैंड वाली फील आ रही है, सच्ची ऐसा लगता है मुझे कि स्विट्जरलैंड वाली फील आ रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ट्रेन, और यहाँ पे हरियाली सारी, और ये जो आपको रेड ज़्यादा रेड वाले ये जो पेड़ दिखाई दे रहे होंगे ना यहाँ पे, ये देख रहे हो आपको, ये तो ये हैं चेरी ब्लॉसम्स, जो बेचारे पिंक से अब यहाँ ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, डार्क मैरून हो गए हैं बेसिकली, वो जा रही है ट्रेन। हाय बहुत सुंदर लगता है यार मुझे तो यहाँ पे ना खड़े होकर बहुत ज़्यादा। चलिए काम करते हैं, टाइम कम है, बहुत सारा काम है, क्योंकि फिर जो है कबीर को लेने जाना है स्कूल। लेट्स गो। मुझे ना ये एक्टिव ट्रैक जो है ना इसका, मेरे को और कबीर को तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं खेल मिल गया हूँ। रील बनाऊंगी इस तक कोई, यहाँ पे एम्बुलेंस और पुलिस वाले सारे आपको नॉर्मली सुनने को मिलेंगे, वैसे वाले सायरन तो आपको कभी सुनने को मिलेंगे, बट ये वाले बहुत सुनने को मिलेंगे। चलो यार फोन की बैटरी नहीं है, अंदर चलो, क्या खेल रहे हो, चलो अंदर, लेट्स गो। हेलो। ज्यादातर ना हम लोग लिफ्ट में ही मिलते हैं। वेल
कबीर तो घर आ गया था, विक्रांत भी घर आ गए ऑफिस से, और मैं जा रही हूँ ट्रॉली के साथ केयरफॉर, कुछ एक दो सामान लेने हैं यार। एक कबीर जो ब्रेड में सैंडविच खाता है ना, वो ब्रेड खत्म हो रही है और वो स्कूल लेके जाता है, तो वो एक मेन बड़ा काम है जो मुझे लेकर आना है, और उसका जूस खत्म हो रहा है, तो ये छोटा मोटा की चीज़ें लेकर आऊँगी, ज़्यादा सामान नहीं लेकर आऊँगी, बिकॉज हाथ की वजह से पता चला आज गाड़ी खींच ली और काम हो गया, कल टेस्ट है क्योंकि, तो चलो जाते हैं केयरफॉर सामान लेकर आते हैं। देखो ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, धूप निकली हुई है बट बारिश हो रही है। चलो जाना तो मजबूरी है यार, सामान लेकर आना है क्योंकि उसको फिर लंच में दिक्कत होगी, वो स्नैक्स में लेके जाता है वो वाला सैंडविच, तो जाते हैं लेकर आते हैं सामान, लेट्स गो। धीरे है, कोई नहीं, और मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं क्योंकि 30 मिनट्स में कारपुर बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे ना चीज़ें बहुत लेट तक नहीं खुलती हैं, तो मैं फटाफट से भागती हूँ और सामान लाती हूँ, लेट्स गो। नाइस, यहाँ पे पूरा फूलों का बाजार लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे, इट इज 6 यूरो फॉर 2 बंचेस। वाओ, ओके, मैं सामान लेती हूँ फिर यहाँ से लिया जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे गुलाब, ये है वो ब्रेड हॉट डॉग स्टाइल में जो कबीर बहुत शौक से खाता है, और इसका है 8-6, तो चल जाएगा। अनियन, अनियन टमाटर है यार, मिर्च जैसे, ये टमाटर तो पहली बार देख रही हूँ सीरियसली, स्ट्रेंज मिर्च जैसे टमाटर। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे टेस्ला के ऑटो पायलट पे? जब चलाएंगे तब पता लगेगा। नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है ये वाला सिस्टम? अभी हम ना एक व्लॉग देख रहे थे तो उसमें उन्होंने टेस्ला लिया और उसके ऑटो पायलट पे वो बहुत ही ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, तो आपको, आपका क्या कहना है, मतलब यहाँ पे अपना काम करते हुए जब तक प्रॉपर खुद नहीं चला के देखता बंदा ना, तब तक समझ नहीं आता, मतलब मुझे तो नहीं आता। ऑब्वियसली जब तक हम खुद नहीं चलाएंगे कैसे समझ में आएगा। मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी बनाई है और मेन वही है कि ऐसी रोड्स पे ही काम करता है ना जहाँ पे जो मार्क्ड हैं अच्छे से, सारे साइंस मार्क्ड हैं, सब कुछ अच्छे से मार्क्ड है, तो वहाँ पे ऐसी चीजें काम करती हैं। बट ऐसे ऑटो पायलट और बिल्कुल स्टीयरिंग छोड़ के चलाना यार फन है अपने आप में, है ना? एकदम से छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कैसे छोड़ दोगे, मतलब ना उसमें ब्रेक और ये सब कुछ नहीं लगाना, पैर पीछे करके बंदे का तो दिल वहीं अटका रह जाए। यहाँ पे अपना रात का काम निपटाते हुए डिशवॉशर पूरा भर के लगा दिया है जी इन्होंने, और जी जितने अच्छे बर्तन ये लगाते ना मैं कभी नहीं लगा सकती। और ये देखो इनको पता नहीं क्यों इचिंग इचिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ये खेल कर आए अभी ना इतना ज्यादा आदू के साथ, तो इसीलिए इसको गर्मी हो रही है और कुछ नहीं है। चलो मैं नारियल तेल लगाती हूँ। इचिंग का चिज्जी से क्या मतलब है? पहले नारियल तेल लगाते हैं, चलो नारियल तेल लगाते हैं। अच्छा चलो आज कबीर एंड करेगा ब्लॉग का, आपको कम दम ग्लो करना, पहले गुड नाइट तो विश करो, पहले गुड नाइट, पहले गुड नाइट विश करो, पहले गुड नाइट, फिर कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल को ऑन कर देना, ऑन कर देना, लोग जैसे मान जाएं वैसे मान लो यार, और सब्सक्राइबर्स भी बुला लो, प्रीति सूरी का 100K हो गया तो हमको भी 1K दे, हमको भी 1K दे दो ना, और जो 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 और पीपल
वो देख रहे हैं, आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, कर दो भाई कर दो, अब तो करना पड़ेगा ये वाला तो करना ही। ओह गॉड, मतलब इसका दिमाग देख रहे हो, हमको भी तो करना। ऑलरेडी यूट्यूबर है ये, ऑलरेडी यूट्यूबर है इसका, ये अपना चैनल बनाएगा एक्चुअली में। तो जी खाना पीना तो हो गया है, किचन भी क्लीन हो गई है। गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।